हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक। फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 2 अंडे, कुछ ये फ्रूट्स टूटी फ्रूटीज एंड इसमें हमें चाहिए 1.5 कप मैदा और 1 कप पीसी चीनी, चुटकी भर नमक, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, ये मेल्टेड बटर। फ्रेंड्स, पहले हम प्री हीट करेंगे। कन्वेंशन है यहाँ पे 180 डिग्री के लिए हम 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट करेंगे, 10 मिनट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहले हम बटर ले लेंगे। सबसे पहले मेल्टेड बटर लें ताकि इससे क्या होगा, फटाफट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। किसी चीनी लेगी आप, पीसी चीनी, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे आराम से इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप डालिएगा थोड़ा सा नमक, तो भी मिला लीजिए। उसके बाद हम मैदा और बेकिंग सोडा डालेंगे। इसको आप छान के डालिए ताकि अच्छा रहेगा। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको आप छान लीजिए ताकि अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिला लीजिए। उसके बाद हम 2 अंडे डालेंगे। एगलेस होगा तो आप बनाना यूज कर सकते हैं। भी आप अच्छे से मिला लीजिए धीरे धीरे। फ्रेंड, इसमें 1 चम्मच हम वेनिला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। इसको भी आप मिला लीजिए। फ्रेंड, टूटी फ्रूटी चेरीज को हम थोड़ा से मैदे में डस्क करके डालेंगे ताकि ये पूरे तरह से मिल जाए। अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और थोड़े डाल देंगे। बस ये आप ऊपर से डालेंगे, इसको आप मिला लीजिए आप आहिस्ता आहिस्ता। फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी हुआ है। अब इसको हम केक टिन में डाल देते हैं। इसको आप डाल दीजिए अच्छी तरह से। इसके ऊपर बटर पेपर ज़रूर लगाइए नीचे ताकि उससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं। इसको स्क्रैच कर लीजिए पूरा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सी गार्निशिंग कर दीजिए ऐसे करके ऊपर से ताकि ये कलरफुल दिखे। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ओवन में डालेंगे हम। पहले इसका स्टैंड रखेंगे, टिन को डालेंगे। 30 मिनट्स तक इसे हम बेक करेंगे, 25 या 30। फ्रेंड, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है 30 मिनट्स। अब हम इसको निकाल लेते हैं आहिस्ता से।
ये देखिए, अब इसको आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो थोड़ा कूल डाउन होने दिए, 10 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे टिन से बाहर। फ्रेंड इसको आप है ना ऐसे देख लीजिए टूट पीक के चाकू से कि पका, अगर ये फ्रेश आ जाए समझिए कि ये पक गया है, इट्स रेडी। फ्रेंड्स हमारा केक कूल डाउन हो गया, अब इसको हम सर्व करते हैं। ऐसे ऐसे निकाल लीजिए आप, या उल्टा करके भी आप निकाल सकते हैं। देखिए निकल जा रहा है, वैसे पूरा फ्लफी केक एकदम सॉफ्ट है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए आप कितना सॉफ्ट केक बना है, एकदम फ्लफी भी है। होप यू इंजॉय वीडियो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें इस क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।